रवा बरस के आगाज में इमरान खान साहब को तहरीकी अदम एहतम के जरिए वजारत अजमत से फारिग करने की गेम लगना शुरू हुई तो बार इस कॉलम में इस्तदा करता रहा की इन्हें बतौर वजी अजम अपनी आईनी मुदत पूरी करनी चाहिए आशिकान इमरान मुझे लिफाफों की सफ में खड़ा देखते हैं इनकी अक्सरियत अखबार में छपे कॉलम पढ़ती नहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चंद अहम लोग मगर अब भी सियासी मौजूद पर लिखे कॉलम थोड़ी तवज्जो ऐसी पढ़ते हैं इनमें से कुछ लोगों से देरीना शनासाई भी है किसी बेतकल्लफ महफिल में वो इतफाकन मिल जाते तो मेरी राय की बाबत हैरत का इजहार करते याद दिलाते की इमरान का रवैया मेरे साथ दोस्ताना नहीं मुखासमाना है इसके होते हुए मैं टीवी स्क्रीन्स पर के मौके से भी महरूम रहा इस में ये लोग ये लोग मुझसे बांधे हुए थे की मैं इमरान खान साहब के खिलाफ लगाई गेम ऐसी खुश होंगे गेम बहरहाल लग चुकी थी उन दिनों की अपोजिशन ने बाहम मिलकर बिल आखिर मार्च दो हजार बाईस का आगाज होते ही कौमी असम्बली के सेक्रटेट में वजी आजम के खिलाफ तहरीके अदम एहतम बा तौर पर जमा करवा दी अदम एतमाद की तहरीक कवायद जवाब के मुताबिक जमा करवा दी जाए तो हमारे तहरीरी आईन के होते हुए गिनती से मुफर मुमकिन ही नहीं इमरान खान साहब ने मगर मतलूबा गिनती टालने के लिए अंदाज में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करने की चोर और लुटेरे मुखालफी अपने कई तहरीके अदम ए वाली गेम लगा ही नहीं सकते थे इन्हें इस राह पर अमरीका ने धकेला है जो इमरान खान की खुददार पॉलिसियों ऐसी उकता चुका है कौमी असम्बली के डेप्यूरी ने मजकूरा इल्जाम को बुनियाद बनाते हुए तहरीकेतम एदम को रद्द कर दिया आइन की इस खिलाफ वर्जी की बाबत सुप्रीम कोर्ट का रह पाई तकरीबन रोजाना की बुनियाद आरोप सुने और बिला की कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ पेश हुई तहरीके आरोप एदम गिनती का अमल मुकम्मल करे खान साहब इसकी बदौलत फारि हो गए तो शहबाज शरीफ वजी मुंतब हो गए मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मेरी शदीद ख्वाहिश थी की वो अपने का हलफ उठाते ही नए इंत की राह निकालने आरोप गामजन हो जाए ऐसा मगर हुआ नहीं शहबाज साहब ने वफा में कायम हुई हुआ को अगस्त 2023 तक बरकरार रखने की ठान ली भाजपा की बिना पर वो जबली पर जानते थे के आबादी के से हमारे सबसे बड़े सूबे, यानी पंजाब में के के वो अपना मकसद नहीं कर के चौधरी परवेज इलाही मगर आखिरी लम्हा में इन्हें कच्चा दे गए अपने हदफ के, के लिए मुस्लिम लीग दून को तहरीके इंसाफ के मुनहर फरा पड़ा अदालती मुदाखलत ने मगर ये गेम भी बिलाखिर नाकाम बना दी अदालत ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तो किया इसे जहन में रखते हुए मुस्लिम लीग नून को लोटों की वजह ऐसी खाली हुई नशितों आरोप जिमनी इंतबाब ऐसी कबल ही पंजाब असम्बली ऐसी मुस्ताफी हो जाना चाहिए था इस मंत की पेशकदमी ऐसी लेकिन गुरेज हुआ और जिमनी इंतख्या के नतज ने यह तस्वर उजागर किया की कि पंजाब अब मुस्लिम लीग नून का नाकाबिल तस्खीर किला नहीं रहा हत्या के लाहौर में भी वो चार में से महज एक नशि जीत पाई मुस्लिम लीग की मजकूर इंतस्त का असल सब महंगाई का वो तूफान था जो इसमाइल की जानब ऐसी रियासत को दिवालिया होने ऐसी बचाने के लिए मुतारिफ करवाए फैसलों की वजह से उमड़ पड़ा था बिजली और पेट्रोल के नरकों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा हुआ तरीन तो पाकिस्तानियों के लिए भी शुमार होती सर्फ जिनकी तादाद पचास के करीब है महंगी से महंगी तर होना हो गुजरे के दिन कौमी असम्बली की जिन आठ नशिस्तों के लिए इनमें ऐसी एक भी मुस्लिम लीग नून जीत नहीं पाई मेरी दारिश में इसका बुनियादी सब दीगर कई वजुहत के अलावा गुज्त तीन महीनों ऐसी हमारे यहाँ आए बिजली के बिल है फैसलों को अगर तलब और रसद की मन तक ही ऐसी जाँचा जाए तो शहबाज हुकूमत की जगह अगर कोई और भी इन दिनों बरसरे होता तो ठोस आलमी और मकामी की बिना पर अच्छा यकीन बुरी नजर आ रही है जिससे निजात की ख्वाहिशरी है मुस्लिम लीग नून के अहम रहन मगर ये तस्लीम करने से है ये तस्वर किए बैठे है की इमरान खान साहेब अब भी हमारी रियासत के दायमी इधारों के लाडले है बुध के रोज कौमी असम्बली के हुए इजलास के दौरान लापता अफराद के मसल पर तकरीर करते हुए वफाकी वजरा अपने बारे में बे अख्तियार होने का तसर भी देते रहे मुझे गुमा है कि बेअ्तियारी के, बे के मातम का आगाज हो चुका है जिसका मनत अंजाम हमारी रियासत को मजीद गैर मुस्तहकम बनाएगा